नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों के खास लड्डू, जिन्हें आप सर्दियों में बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो जिन लोगों के घुटनों में या सिर में दर्द रहता है, तो उन ये लड्डू उनको भी बहुत ही फायदेमंद है, तो ज़रूर बनाइएगा इन लड्डुओं को। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है लड्डुओं को बनाने के लिए। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, 2 चम्मच हम अलसी डालेंगे। अलसी को हल्का सा गरम कर लेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे अलसी को गरम होने में। ये हल्की सी फूल जाएगी और इसका हल्का सा कलर आपको चेंज होते हुए दिखेगा। अलसी को बस हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने फिर से यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब देसी घी को हम गरम कर लेंगे। एक चौथाई कप हमने यहाँ पे गोंद ली है और इसे हल्का हल्का कूट लिया था। कूटने से क्या होता है कि जब हम गोंद को तलते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया फूल जाती है, और ज़्यादा बड़ी अगर गोंद लेते हैं तो अंदर से क्रिस्टल रह जाते हैं, वो फूल नहीं पाती। तो यहाँ पे हमने बहुत बारीक करके गोंद को भून कर निकाला है और देखें ये फूल गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और बाकी की गोंद भी हमने तल कर निकाल ली है। अब हमने यहाँ पे काजू और बादाम लिए हैं, 10 से 15 काजू हैं, 10 से 15 बादाम। दोनों चीज़ों को हम एक साथ तल लेते हैं, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इन्हें तलेंगे, ताकि इनका भी बहुत ही बढ़िया लड्डुओं में टेस्ट आए। और इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे सौंठ ली है, एक टुकड़ा हमने यहाँ पे सौंठ का लिया है। जो अदरक होती है ना सूखी वाली, ये वही सौंठ है, ये बहुत ही फायदे करती है लड्डुओं में, तो आप इसे ज़रूर डालें। और जब ये भून जाती है तो ये फूल जाती है और सिक्की सिक्की दिखने लगती है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी मखाने लिए हैं, इन्हें भी हम गरम कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट में देखेंगे मखाने हमारे भुन गए हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। दो चम्मच हमने यहाँ पे पिस्ता दाना लिया है, ये पिस्ता दाना है जिसे खसखस भी कहते हैं। और 50 ग्राम हमने गरी ली थी जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। ये गरी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लड्डू में पसंद करते हो तो डालें और नहीं तो इसके बिना भी आप लड्डुओं को बना पाएंगे, और इसका भी हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो हम इसे निकाल लेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, दोनों चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक चम्मच हम यहाँ पे देसी घी डालेंगे। और 2 कप हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है। आटा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा ज्यादा या कम डाल सकते हैं, और इसे अब हम धीमी आंच में भून लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। आटे के भूनना बहुत ज़रूरी है, लड्डुओं का पूरा स्वाद आटे से ही आएगा। आटा भूनने के बाद हम इसमें मिला देंगे 1 चम्मच हल्दी। हल्दी शरीर के लिए बहुत ही फायदे करती है, इसीलिए हमने लड्डू में हल्दी को मिलाया है।
आपके घुटनों में या कमर में कहीं भी दर्द होता है तो हल्दी बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए लड्डू में हल्दी जरूर डालें आप। और अब हमने यहाँ पे एक जार ले लिया है, तो अलसी को हम पीस लेंगे, इसे हम पीस कर ही डालेंगे। पीसने के बाद हम इसे जो आटा भूना था उसमें मिला देंगे। अब हम गोंद को भी इसी तरह पीस लेते हैं, आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं मोटा मोटा। और हमने इसे पीस कर इसी आटे में सारी चीजें मिला ली हैं। मखाने और ड्राई फ्रूट आप एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर इन्हें कूट कर भी आप डाल सकते हैं थोड़ा छोटा छोटा कर, पर मैंने सारी चीजें इस तरह से पीस कर ही डाली हैं। इन्हें हमने दरदरा ही रखा है, बहुत ज्यादा महीन नहीं किया है। अब सौंठ हम लास्ट में पीस कर डालेंगे, तो इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और पीस लेंगे। पीसने के बाद देखेंगे, अगर इसमें रेशे दिख रहे होंगे तो हाथों से इन रेशों को अलग कर देंगे और सौंठ को इसमें मिला देंगे, या फिर आप ये सौंठ को छानकर भी डाल सकते हैं। और जो गरी और पुस्तादाना भी हमने भूंज कर रखा था इन्हें भी मिला देते हैं। और सारी चीज़ें लड्डुओं में अच्छे से मिल गई हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और कढ़ाई को हम खाली कर लेते हैं। कढ़ाई को हमने यहाँ पे गैस पे रख दिया है और 200 ग्राम के करीब हमने गुड़ लिया है, कप से नापे तो ये 1 कप है, और 1/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। गुड़ को अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा थोड़ा सा मीठा पसंद है तो थोड़ा गुड़ और बढ़ा सकते हैं इसमें। अब आँच को हम बहुत ही धीमा रखेंगे ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए, हमें इसे पकाना नहीं है, बस इसे मेल्ट करना है। अगर हम गुड़ को बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो लड्डू जो हमारे हैं ना वो कड़े बनेंगे, तो धीमी आंच में आप सिर्फ गुड़ को मेल्ट कर लीजिए। तो बस इस तरह से गर्म होने पर गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे, और इसमें 1 चम्मच हम देसी घी और डाल रहे हैं। आप चाहें तो देसी घी डालें और नहीं तो बिना देसी घी के ही लड्डुओं को बना पाएंगे। अब आटा में जो मेवे मिला के रखे हैं उसे हम डाल देते हैं और चला देते हैं। तो आधा हमने एक बार में डाल दिया है और दूसरी बार में हमने पूरा आटा इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो सर्दियों में जो आपके शरीर में दर्द होता है या कमर में या घुटनों में, तो इन लड्डुओं को बनाकर आपको रोज एक लड्डू खाना है। और देखें बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गया है। छोटे बड़े लड्डू अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये हल्का सा गरम है तो गरम गरम में ही हमने लड्डुओं को बांध लिया है, और दोनों हाथों से हमने इसे अच्छे से चिकना कर लेना है ताकि देखने में भी बहुत ही बढ़िया दिखें। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक करिएगा।